जिसके जाने के समय रहती थी उसके वापस आने की आस, आज वही बेटा निकल पड़ा अपने अंतिम सफर पर। अपने चहेते और शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट की अंतिम विदाई के लिए समूचा देहरादून उमड़ पड़ा। उस वीर सपूत को विदा करने के लिए हर कोई मौजूद था जिसने सीमा पर देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेजर चित्रेश के अंतिम संस्कार के लिए घर परिवार के लोग तो मौजूद थे ही, आम जनता के साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री, पूर्व सीएम हरीश रावत, सेना के कई अफसर मौजूद थे। हर किसी की आंख अपने लाल को विदा करते समय नम थी। इन्हीं शहीदों की वजह से, जैसे मेजर बिष्ट आज गए हैं, इन्हीं की वजह से हम आज सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं। हम सत सत नमन करते हैं, अश्रुपूर्णित श्रद्धांजलि देते हैं। इससे पहले जब नेहरू कॉलोनी में स्थित मेजर चित्रेश के घर से उनकी अंतिम यात्रा निकली तो ऐसा लग रहा था कि चित्रेश केवल एक परिवार का बेटा नहीं, समूचा देहरादून ही उसका परिवार था। जिसने भी चित्रेश की अंतिम विदाई का समाचार सुना उसे विदा करने पहुंच गया। इस मौके पर लोगों की आंखों में करुणा भी दिख रही थी तो दिल में दुश्मन के लिए चिंगारी भी धधक रही थी। लोग नारे भी लगा रहे थे, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जो वो जिंदगी में भी उठ ना पाए ना पाने सके। अगर किसी बात की चिंता है तो भारत माँ के लाल और भी तैयार है, हम अगर कमी पड़ते हो लेकर चले हम आज भी तैयार है। इससे पहले आज सुबह मेजर चित्रेश का पार्थिव शरीर फूलों से लदे सेना के वाहन में रख कर देहरादून स्थित उनके घर लाया गया। तिरंगे में लिपटे मेजर के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ सैन्य वाहन से उतार कर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। यूं तो हमेशा ही परिचितों और जानने वालों की भीड़ लग जाती थी जब भी चित्रेश छुट्टियों में घर लौटता था। उससे मिलने वालों के चेहरे पर मुस्कान रहा करती थी। आज भी उसके आने पर लोगों का हुजूम जुटा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस बार चित्रेश से मुलाकात इतने गमगीन माहौल में होगी। 7 मार्च के करीब चित्रेश के घर पर कुछ इसी तरह लोगों और रिश्तेदारों का जमावड़ा होना था। 7 मार्च को चित्रेश की शादी होनी थी, लेकिन होने को कुछ और ही बदा था। चित्रेश कुछ दिन पहले ही अपनी शादी का कार्ड तय करके गया था और 28 फरवरी को तैयारियों के लिए उसे लौटना था। दुख की घड़ी है कि हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी का ये दूसरा पुत्र था और यही उसके साथ घटना हुई आज, और जो ये माइन है उससे ब्लास्ट हुआ जिसमें बताते हैं कि ये घटना घटी है, और ये भी पता लगा कि इस बच्चे की ये आने वाली 7 मार्च को शादी थी। शुक्रवार को शहादत के ठीक एक दिन पहले ही चित्रेश ने अपने पिता को फोन कर उनके जन्मदिन की बधाई दी थी। पिता भी खुश थे बेटे से बधाई पाकर, लेकिन ये क्या हुआ, पिता के जन्मदिन के एक दिन बाद ही बेटे की मौत की खबर सुनाई दी। राजौरी में भारतीय सीमा के अंदर शनिवार शाम 4 बजे आईडी विस्फोट में मेजर चित्रेश शहीद हो गए। कुछ दार हैं जो घुसपैठिए बन गए हैं, हमारे लोगों ने ही उनको अपने घरों में रखा हुआ है और वो थोड़े थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। अभी माइन लगाई गई तो माइन बिल्कुल ताजी माइन लगाई हुई है, तो किसने आकर लगाई, कैसे आने दिया उनको। आज मेजर चित्रेश को अंतिम विदाई दी गई। जो चित्रेश हमेशा लोगों से विदा लेते समय कहता था फिर मिलेंगे, आज वो भी बिना कुछ कहे यूं ही चल दिया। लेकिन संतोष ये है कि वतन पर मिटने वाले जांबाज कभी मरते नहीं, शहीद होते हैं। वो जिंदा रहते हैं हमारी माटी की खुशबू में, हमारी वीर गाथाओं में, शौर्य की कहानियों में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।